ये है न्यूज़नेट डिजिटल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं सारण न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्रा, सारण न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सारण प्रमंडल की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। असम पुलिस की निशानदेही पर गोपालगंज पुलिस ने फुलौरिया थाना क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर व हवाला माफिया मोहम्मद सरफराज को किया गिरफ्तार। कई राज्यों से गौ तस्करी कर भेजता था बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्करी के सरगना मोहम्मद सरफराज की गिरफ्तारी हुई है। ये अपना अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्करी का सरगना चलाते थे असम से बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से गौ तस्करी कर बांग्लादेश में बेचा जाता था। असम पुलिस को इनकी काफ़ी समय से तलाश थी। उसी क्रम में गोपालगंज में फुलवरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ये करीब 7-8 सालों से विदेश चलाते हैं। करीब 1.5 साल से असम पुलिस को इनकी तलाश थी और इनका यह भी सूचना मिली है कि जो तस्करी का कारोबार होता था उसमें हवाला के माध्यम से पैसे की लेनदेन होती थी। तो हवाला के लिए बड़े कारोबारी। सिवान में शनिवार को अपराधियों ने आभूषण दुकान लूटने का किया प्रयास। विरोध करने पर आभूषण दुकानदार ने उसके पुत्र को मारी गोली। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सारण के दाउदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव के तिवारी टोला में झाड़ियों से लबारिश स्थिति में मिला शिशु। दाउदपुर थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल छपरा में कराया भर्ती। छपरा शहर के वार्ड नंबर 40 में नवनिर्मित सड़क का स्थानीय विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने किया उद्घाटन। एक देश एक निशान एक विधान की परिकल्पना करने वाले जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर सारण भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। सारण के माझी प्रखंड में जदयू के नेताओं ने चलाया सदस्यता अभियान। सिवान के बेलाव गांव में जमीनी विवाद में जमकर हुई मारपीट। 15 लोग हुए अस्पताल में भर्ती। जय भोले भंडारी सेवा दल के तत्वाधान में अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं ने छपरा में निकाली बाइक रैली। सड़क चौड़ीकरण करने के क्रम में छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर को प्रशासन ने चोरी छिपे मध्य रात्रि में तोड़ दिया। लापरवाही के कारण मूर्ति हुई खंडित। खंडित मूर्ति को डोरीगंज के गंगा घाट पर आनन फानम में किया गया विसर्जित। प्रशासन के इस लापरवाही के कारण लोग आहत एवं निस्तब्ध हैं। आज
छपरा सोनपुर रेल खंड पर गोल्टेनगंज स्टेशन के पास मालगाड़ी हुई बेपटरी, कई घंटों तक ट्रेनों का परिचालन रहा बाधित। तो ये थी सारण प्रमंडल की आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अधिक जानकारी के लिए न्यूज निब ऐप को डाउनलोड करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।